हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज हम लोग सत्य निष्ठा, जो कि इंटीग्रिटी चल रहा था हमारा, पार्ट फोर लेकर आए हैं। जीएस पेपर फोर एथिक्स का पेपर है, यूपीपीएससी यूपीएससी मेंस के लिए। हम लोग बहुत ही इजी वे में एथिक्स पढ़ रहे हैं। इसके दो पार्ट्स मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। जो हमारे चैनल पर इस समय नए हैं, जो पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और इसके पहला और दूसरा पार्ट ज़रूर देखें, फिर तीसरे पार्ट पर आएं। यहाँ मैंने इंटीग्रिटी के जो भी पॉइंट्स बताए हैं, वो पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पुटअप होगा। हाँ, जब हम ये लोग पूरा पेपर कर लेंगे एथिक्स का, तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे इसमें कि किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे गए हैं। यूपीपीएससी में तो ये फर्स्ट टाइम होगा जो मेंस में ये पेपर आएगा जीएस फोर, इसलिए उसके सैंपल तो हमें नहीं मिल पाएंगे। बट यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए हैं, हम ज़रूर ट्राई करेंगे कि कैसे उसे सॉल्व किया जाए। और यहाँ तक इसमें होता है, ज़्यादा तक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो आपको अपने माइंड से सॉल्व करने होते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और हमारी यहाँ मेन कोशिश है कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना, बिल्कुल रटाना नहीं कोई चीज़, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप अपने वर्ड्स में आंसर देंगे और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए हम लोग आगे करते हैं इसका पार्ट थ्री। ये हमारा सिलेबस है। यहाँ पर हम लोग यहाँ कर रहे हैं सत्य निष्ठा, जो कि इंटीग्रिटी, ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग निष्पक्षता तथा गैर तरफदारी आएंगे और धीरे धीरे ये सिलेबस इसका कम्प्लीट हो जाएगा। इसमें हमने अवधारणा देखी थी, प्रकार देखे थे, व्यक्तिगत जीवन में सत्यनिष्ठा के क्या लाभ होते हैं, प्रशासन में इसके क्या लाभ हैं, और इसके कुछ उदाहरण देखे थे। आज हमारे पास दो पॉइंट्स हैं करने को। एक, इसका महत्व देखेंगे कि सत्यनिष्ठा का क्या क्या महत्व होते हैं, और सत्यनिष्ठा बढ़ाने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं प्रशासन में, वो हम आज के लेसन में करेंगे। तो आप लोग एक बार ये रिवीजन देख लीजिए कि कैसे, और जिसने ये वीडियोस नहीं देखी हैं फर्स्ट और सेकंड, वो ज़रूर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमने लास्ट टाइम किया था सत्यनिष्ठा के उदाहरण। आज हम करेंगे कि सत्यनिष्ठा का हमारे प्रशासन में क्या महत्व होता है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति अगर प्रशासन में, इनकी संख्या बढ़ जाए तो प्रशासन की रूपरेखा ही चेंज हो सकती है। बहुत ही आधारभूत मूल्य है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा एक, जितने भी हमारे प्रशासन में मूल्य होते हैं, आचरण संहिता होती है या फिर प्रशासनिक संहिता जो भी होती है, उसके अंदर कुछ मूल्य दिए गए हैं, जैसे कि सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और गैर तरफदारी, ये सारे मूल्य हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मूल्य होता है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सत्यनिष्ठा का अर्थ होता है व्यवहार और आचरण में अपने मूल्यों के अकॉर्डिंग समानता होना, या फिर उनके अकॉर्डिंग ही काम करना। जो चीज़ें अपने लिए सोचते हैं, वही चीज़ें दूसरों के लिए भी सोचना, उसी को सत्यनिष्ठा कहा जा सकता है। व्यापक जनहित में लोगों की हित करने के लिए संवैधानिक और पेशेवर मूल्यों के अनुरूप अपने दायित्वों को पूर्ण करने के लिए लोक सेवकों के लिए सत्यनिष्ठा बहुत ही आवश्यक है। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए सत्यनिष्ठ होने की अपेक्षा की जाती है, इसीलिए जब भी हमें ट्रेनिंग दी जाती है, जब भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम पास करके ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उसमें एक हमें मूल्यों का अलग से, एथिक्स के लिए हमें अलग से एक क्लास होती है, जिसमें हमें सारे मूल्य सिखाए जाते हैं, सारे आचरण संहिता सिखाई जाती है, जो कि एक लोक सेवक में होनी बहुत बहुत आवश्यक होती है। अब हम इसके महत्व की बात कर लेते हैं। तो महत्व तो कॉमन है, इसको आप लोग अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ मैं आपको पॉइंटर्स दे देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहला हम करेंगे कि अगर कोई सत्यनिष्ठ व्यक्ति होगा, अगर हमारे प्रशासन में ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रशासन के अधिकारी होंगे वो सत्यनिष्ठ होंगे, तो फिर भ्रष्टाचार न्यूनतम किया जा सकता है। भ्रष्टाचार की जो स्थापना है, जो हमारे समाज में हो चुकी है बहुत ही अधिक पैमाने पर, उसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं, ये लाइन थोड़ी सी ठीक नहीं बैठी, यहाँ हम लिख सकते हैं, भ्रष्टाचार को न्यूनतम करने के लिए आवश्यक है, या भ्रष्टाचार की स्थापना को ये कम करती है, न्यूनतम करती है। नेक्स्ट है नागरिकोन्मुखी प्रशासन, मतलब कि
यहाँ पर जब हम गुड गवर्नेंस की स्थापना करना चाहते हैं अपने शासन में, प्रशासन में, तो इसके लिए सत्यनिष्ठ व्यक्ति ही होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सत्यनिष्ठ व्यक्ति होंगे तो जो भी प्रशासन होगा नागरिकों के हित के लिए होगा, नागरिकोन्मुख होगा, मतलब कि नागरिकों को ध्यान में रख के ही प्रशासन का कार्य संभाला जाएगा या क्रिया किया जाएगा। हमारा यहाँ थर्ड पॉइंट होगा गुणवत्तापूर्ण नागरिक सेवाओं की आपूर्ति, मतलब कि जो भी सेवाएं दी जाएंगी वो गुणवत्तापूर्ण होंगी, समय से दी जाएंगी। जैसे कि हमारे यहाँ एक्ट आया है 2005 का RTI एक्ट, तो वो भी इसी के अंडर में आ सकता है। सत्यनिष्ठा के एक मूल्य के रूप में इसे लिया जा सकता है कि समयबद्ध रूप से और गुणवत्तापूर्व नागरिक सेवाओं की यहाँ आपूर्ति की जा सकती है, अगर व्यक्तियों में ज़्यादा से ज़्यादा सत्यनिष्ठा की भावना का आगाज होगा या सत्यनिष्ठा ज़्यादा पनपेगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति। हमारे संवैधानिक उद्देश्य क्या होते हैं, लक्ष्य क्या है कि गुड गवर्नेंस हो, अच्छा शासन हो, नागरिकोन्मुखी प्रशासन हो, गुणवत्तापूर्ण नागरिक सेवाएं हो, ये होते हैं हमारे संवैधानिक उद्देश्य। तो अगर सत्यनिष्ठ ज़्यादा से ज़्यादा लोक सेवक हमारे प्रशासन में होंगे तो संवैधानिक जितने भी उद्देश्य हैं जो कि हमारे संविधानकर्ताओं ने, जिन्होंने संविधान बनाया था, उसमें लिखे हुए थे कि क्या समाज का कर्तव्य होना चाहिए या प्रशासन का क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसकी प्राप्ति या इसके लक्ष्यों की प्राप्ति में बहुत ही अधिक सुविधा प्राप्त हो सकेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनता के प्रशासन में विश्वसनीयता। अगर जो लोक सेवक बोलेगा वही लोक सेवक करेगा, मतलब कि उसकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होगा, तो भी जनता उसके ऊपर विश्वास करेगी, उसके उस प्रशासन के प्रति जनता का बहुत अधिक विश्वसनीय रवैया पनपेगा, तो इससे प्रशासन और जनता के बीच बहुत ही अधिक सामंजस्य स्थापित हो सकेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक और आर्थिक न्याय की। जहाँ पे भी सत्यनिष्ठा, अगर सत्यनिष्ठा को पहले पायदान पे रखकर बाकी चीज़ों को सेकेंडरी घोषित किया जाएगा, वहाँ पे आर्थिक और सामाजिक समानता अपने आप ही उभर कर सामने आएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे शासन में आम जनता के संबंध सुदृढ़, मतलब कि शासन के और आम जनता के बीच में संबंध बहुत अधिक सुदृढ़ हो सकेंगे। आम जनता की जो भी समस्याएं हैं, जो भी दुविधाएं हैं, वो शासन समझ सकेगी और शासन उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर सकेगी और अपनी राय उसके अकॉर्डिंग दे सकेगी। नेक्स्ट बात करेंगे स्वच्छ, निष्पक्ष, प्रभावी शासन की स्थापना। जैसे कि संवैधानिक उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति में भी यही कहा गया है कि हमारा जो भी शासन हो, प्रशासन हो, स्वच्छ हो, निष्पक्ष हो और उसका प्रभाव पूरी जनता पर जो उसे चाहिए वो मिल सके। तो सत्यनिष्ठ व्यक्ति अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन में होंगे तो स्वच्छ, निष्पक्ष और प्रभावी शासन की स्थापना हो सकेगी। ऐसे ही इसमें और भी देख सकते हैं कि गुड गवर्नेंस की स्थापना के लिए जो लोक सेवक होते हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तो ऑब्वियस है कि अगर भ्रष्टाचारी अधिकारी जो होते हैं, अगर वो ज़्यादा होंगे प्रशासन में तो प्रशासन में भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ेगा, और अगर सत्यनिष्ठ व्यक्ति ज़्यादा होंगे लोक प्रशासन में तो लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा की पहुंच बहुत अधिक हो जाएगी और प्रशासन सत्यनिष्ठा के अकॉर्डिंग ही चलने लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे महत्व हैं जो सत्यनिष्ठा हमारे प्रशासन में होगी या लोक सेवक के अंदर होगी तो लोगों को बहुत ही अधिक फायदा पहुंचेगा। तो आगे हम बात करते हैं प्रशासन में सत्यनिष्ठा बढ़ाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो एप्लीकेशन बेस पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी परिस्थितियां दे देंगे कोई भी आपको और कहेंगे कि आप इन परिस्थितियों में सत्यनिष्ठा के बढ़ाने के उपाय क्या क्या कर सकते हैं। हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग काफ़ी ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें क्योंकि सिलेबस काफ़ी डिले चल रहा है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है। तो मैं ये सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है और हम इसमें आइडियल एक आंसर क्या लिख सकते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग केस स्टडीज़ भी डिस्कस करेंगे कि केस स्टडी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आप लोग साथ में क्वेश्चन भी करिए, तो अगर मैं साथ में क्वेश्चन कराने लगूँ तो वैसे ही सिलेबस पीछे चल रहा है तो सिलेबस ही कम्प्लीट नहीं हो पाएगा अगर हम साथ में क्वेश्चन कराने चले। तो इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी कि आपका पहले सिलेबस कंप्लीट करवाऊँ, फिर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं
सत्यनिष्ठा बढ़ाने के उपायों में सबसे पहले हम उपाय देखेंगे प्रोत्साहित करना, मतलब कि लोक सेवकों को जो कि सत्यनिष्ठा का आचरण करता है, जो सत्यनिष्ठा को अपनाता है अपने कार्य में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। अपने अधिकारियों द्वारा, वरिष्ठों द्वारा, उनके द्वारा उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे उनके अंदर, आप लोगों को पता है, जिस काम के लिए अगर किसी को अप्रिसिएशन दिया जाता है तो उस काम करने को उसको उसके अंदर से प्रोत्साहित होता है कि हाँ ये काम मैंने अच्छा किया इसलिए मुझे प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो उसके अंदर से ही आता है कि ये मेरा अच्छा आचरण है और मुझे ऐसे ही कार्य करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, पुरस्कार प्रशंसा प्रदान करना, मीन्स अगर कोई लोक सेवक सत्यनिष्ठा के व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है या अपने कनिष्ठों और वरिष्ठों को उसके बारे में आगाह कर रहा है, अवगत करवा रहा है, तो उसके लिए पुरस्कार प्रशंसा या फिर और भी जो आनुषांगिक लाभ होते हैं, जैसे कि उसे बोनस दे देना या उसको सबके सामने उसके लिए अच्छे शब्दों का यूज़ करना, उसकी प्रशंसा करना, इस टाइप से काफ़ी चीज़ें उसके अंदर सत्यनिष्ठा बढ़ाने का काम कर सकती है। नेक्स्ट, सुझाव देना, इसमें है कि अगर कोई लोक प्रशासन या प्रशासनिक अधिकारी अगर कोई सुझाव मांगता है किसी एक केस पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो अगर वो मांगता है तो उसे मांगे जाने पर स्पष्ट और ईमानदार सुझाव देना चाहिए। इससे भी प्रशासन में, लोगों में सत्यनिष्ठा का प्रभाव बढ़ेगा। अगर वो अच्छा सुझाव देगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक, जो भी उस समय उस परिस्थिति के अनुकूल जो भी अच्छी राय होगी अगर वो दिया जाता है तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रतिकूल परिस्थितियों में नियमों का पालन सुनिश्चित करना। कभी कभी ये होता है कि परिस्थितियाँ जो है वो अनुकूल नहीं होती हैं, जो हमारे बिल्कुल लायक नहीं होती हैं, फिर भी उस समय भी कानून, लोक सेवा मूल्यों तथा आचरण नियमों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। उस समय भी जो भी नियम है उसी के अनुकूल कार्य करने पर सत्यनिष्ठा को बढ़ाने में बहुत अधिक सहायता मिलती है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हों। नेक्स्ट हम बात करेंगे उचित कार्य संस्कृति विकसित करना। जो भी लोक सेवक हो या फिर जो भी प्रशासन के अधिकारी हो, वो कार्य करने की जैसी भी परिस्थितियां हो, जैसे भी अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसमें एक सामान्य कार्य करना चाहिए। उनको अपने कार्यों से बिल्कुल भी किसी तरह, उन्हें अपने कार्यों से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, कभी भी भटकना नहीं चाहिए। जो भी कार्य उन्हें करना है अपने पूरे, मतलब कि पूरे ध्यान से, उचित तरीके से, जो भी कार्य का माहौल है उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, तो इससे भी सत्यनिष्ठा को बढ़ाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आचरण संहिता और नैतिक संहिता बनाना, मतलब कि जो भी लोक सेवक के लिए या प्रशासन के लिए कुछ आचरण संहिता निर्धारित होती है या नैतिक संहिता निर्धारित होती है कि पर्टिकुलर प्लेस में या पर्टिकुलर जो भी वर्क है उसमें ऐसे ही आचरण करना चाहिए, ये ऐसे ही मूल्य स्थापित होने चाहिए। तो अगर कोई भी लोक सेवक उसी मूल्य पर, उसी आचरण को अपनाकर काम करेगा तो इससे लोगों को सबक मिलेगा, जो भी उसके कनिष्ठ या वरिष्ठ अधिकारी हैं वो उसे देखकर उससे द्वारा भी सत्यनिष्ठा को बढ़ाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना। इसका मतलब ये होता है कि जैसे भी अगर कोई लोक सेवक बनता है तो आप लोगों को पता है उसे ट्रेनिंग दी जाती है, तो ट्रेनिंग में मेन यही जो मूल्य होते हैं आचरण संहिता और नैतिक संहिता के, यही उसमें सिखाए जाते हैं। एक तो कार्य संस्कृति तो सिखाई ही जाती है कि उन्हें क्या क्या कार्य करना पड़ेगा या क्या क्या कार्य करने के लिए किस किस स्किल्स का यूज़ करना चाहिए, प्लस उन्हें जनता को कैसे, जनता की प्रॉब्लम्स को कैसे शॉर्ट आउट करना है या फिर उनसे कैसे बिहेव करना है। जितने भी नैतिक मूल्य होते हैं, जैसे कि सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता हो गई, निष्पक्षता हो गई, तो जितने भी मूल्य होते हैं ये भी उसमें सिखाया जाता है। तो प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना, ये तो एक ट्रेनिंग भी होती है कि जहाँ ज्वाइनिंग हुई उसके बाद ट्रेनिंग हुई, तो उसमें तो ये बताया ही जाता है, प्लस समय समय पर साल दो साल में एक और ट्रेनिंग शिविर का आयोजित किया जाना चाहिए या किया जाता है, दोनों हो सकता है इसमें। क्योंकि अगर जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाए आप उस हिसाब से, अगर पूछा जाए कि आप क्या सुझाव दे सकते हैं तो किया जाना चाहिए लिखेंगे, और अगर सत्यनिष्ठा बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं तो आप लिखते हैं कि परीक्षा शस्त्र आयोजित करना
किया जाता है समय समय पर। इसमें तो ये क्वेश्चन की प्रकृति पर निर्भर करता है कि आप आंसर उसमें कैसा देते हैं। इसी तरह जो भी शोषित वंचित वर्ग हैं उसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने हेतु भी प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको सीखने के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाता है, जिससे सत्यनिष्ठा को बढ़ाने में बहुत ही मदद मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण पर बल। जब भी लोक सेवकों का चयन किया जाता है तो उस दौरान एक मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है। जैसे कि एथिक्स का पेपर है जो कि पेपर नंबर 4 है, ये मेंस में इसलिए इंक्लूड किया गया है कि आप लोगों की मनोवैज्ञानिक जांच की जा सके कि आप लोग दिमाग से एक पर्टिकुलर जनता के प्रति क्या सोचते हैं, आप लोगों की सोच क्या है, आप लोगों का रवैया क्या है और आप लोग की काम करने की तकनीक कैसी होती है। तो अगर आप एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं तो आप अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। अगर आप गैर निष्पक्षवादी हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग देंगे। अगर आप भ्रष्टाचार में विश्वास रखते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। तो इसीलिए इस पेपर को इंक्लूड इसमें किया गया है ताकि जो भी अधिकारी बनने वाले हैं हमारे प्रशासन के, उनकी नैतिक स्थिति को समझा जा सके, उनके अंदर कितना नैतिक बल है, कितनी नैतिक संहिता है उसको समझा जा सके। तो इसीलिए नैतिक प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है सत्यनिष्ठा को बढ़ाने के लिए। और ये जो पॉइंट है ये मनोवैज्ञानिक, ये आप हर एक में डाल सकते हैं जो भी आपके नैतिक मूल्य हैं उसके अंदर। नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट है निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करना। इसमें ये होता है कि कोई भी आपका वरिष्ठ अधिकारी हो, चाहे कनिष्ठ अधिकारी हो, चाहे सामान्य जनता हो, जो काम आपके लिए है आप उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करें। आपको जिससे जैसा मतलब कि बिहेव करना है, क्या सही है आपके लिए क्या गलत है आपको पता होना चाहिए और उससे निष्पक्षतापूर्व व्यवहार करना चाहिए। किसी भी भेदभाव का वहाँ पे प्रभाव नहीं दिखना चाहिए, चाहे आपका कितना भी बड़ा वो अधिकारी ही क्यों ना हो। यहाँ पर आप किसी भी डर भय का बिल्कुल भी प्रयोग ना करके निष्पक्षतापूर्व व्यवहार करेंगे, चाहे आपसे बड़ा अधिकारी हो, आपसे छोटा अधिकारी हो, आपका प्यून ही क्यों ना हो, चाहे वो सामान्य जनता का कोई प्रश्न ही क्यों ना हो यहाँ पर। तो इससे प्रशासन में सत्यनिष्ठा बढ़ाने में बहुत ही अधिक मदद मिलती है। नेक्स्ट है सत्यनिष्ठा संदिग्ध व्यक्ति, सॉरी यहाँ पर आएगा सत्यनिष्ठ संदिग्ध व्यक्तियों पर कार्यवाही करना। इसका मतलब होता है कि कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जिनको पता चल जाता है, जिनके बारे में लोगों को पता होता है कि ये अधिकारी सत्यनिष्ठा के प्रति संदिग्ध है, मतलब कि ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, मूल्यों के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। तो उन लोगों पर CBI की, IB की या सतर्कता आयोग की या फिर लोकपाल लोकायुक्त जैसे संगठन हैं उनको, उनके लिए जाँच करने की जिम्मेदारी उन लोगों को देनी चाहिए ताकि उन लोगों पर सतत निगरानी रखी जा सके। क्योंकि अगर इन लोगों की जांच नहीं होगी तो लोगों में इस टाइप की गतिविधियां बढ़ती जाएंगी। लोग सोचेंगे अगर उसके साथ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है तो मैं भी यही काम करूंगा, मेरे साथ भी कोई कार्यवाही नहीं होगी। यही चीज़ भ्रष्टाचार में भी यूज़ की जा सकती है, इसीलिए सत्यनिष्ठ संदिग्ध जो भी व्यक्ति है उन पर उचित कार्यवाही की जानी चाहिए सत्यनिष्ठा को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आएगा सत्यनिष्ठा का वार्षिक मापन। बहुत से अधिकारी ऐसे होते हैं जो मतलब अपना काम करते जाते हैं, उन्होंने क्या अच्छा काम किया क्या बुरा काम किया कुछ भी पता नहीं चलता। इसीलिए सत्यनिष्ठा को बढ़ाने के लिए प्रशासन में लोगों का वार्षिक मापन होना चाहिए कि उन्होंने कितने सही काम किए क्या गलत किया। तो इसका मापन वस्तुनिष्ठ तरीके से कोई क्वेश्चनेयर बना के या फिर उनके जो पूछताछ करके बड़े या छोटे अधिकारियों से, उनसे इस टाइप से सत्यनिष्ठा का वार्षिक मापन हमेशा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सकारात्मक अभिप्रेरणा प्रदान करना। ये वही सेम है कि पुरस्कार या प्रशंसा प्रदान करना, सेम वही पॉइंट है, लैंग्वेज चेंज है थोड़ी सी, कि जो अधिकारी अच्छा काम करते हैं उनको सकारात्मक अभिप्रेरणा प्रदान करना, जो सत्यनिष्ठा पर रह के अपना कार्य करते हैं उनको अभिप्रेरणा देना। और इसका अपोजिट भी आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो लोग सत्यनिष्ठता के प्रति संदिग्ध होते हैं या सत्यनिष्ठा पर नहीं चलते हैं उनको नकारात्मक अभिप्रेरणा देना,
उनका डिमोशन कर देना या उनको लोगों के सामने थोड़ा सा अपमानित करना, इस टाइप की एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर की जा सकती है। ये आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, जैसा क्वेश्चन होगा आप उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर किए सत्यनिष्ठा बढ़ाने के उपाय, यहाँ पर ये पूरा पॉइंट ख़त्म हो जाता है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सत्यनिष्ठा खत्म। नेक्स्ट हम जो भी वीडियो लेकर आए उसमें मैं लेकर आऊँगी तरफ निष्पक्षता और गैर तरफदारी, और ये मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि कंप्लीट हो जाए, आपको वीडियो का ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।